नमस्कार, मैं प्रदीप निराला और आप देख रहे हैं तहलका हरियाणा। अभी हम खड़े हैं गुरुग्राम के सेक्टर 29 पुलिस स्टेशन में। हमारे साथ हैं, ये चक्करपुर की रहने वाली हैं। इन्होंने अपने पड़ोसी के ऊपर आरोप लगाया है कि उसने इनके साथ छेड़छाड़ की, अश्लील हरकत की, अश्लील इशारे किए हैं। उसकी सच्चाई जानने के लिए हम सेक्टर 29 थाने में आए हैं। आखिर इसके पीछे सच्चाई क्या है, क्या नहीं है, बात करते हैं कि इनके साथ कब क्या हुआ और अभी तक क्या कार्रवाई उस मामले को लेकर हुई है। अब बताइए, आपके साथ किसने क्या किया? सबसे पहले तो मैंने 15/7/2021 को एक कंप्लेंट की, FIR हुई। उसके बाद उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। मैंने SHO सर से बोला भी कि सर इन एकता जो है HC कि इनको ना दिया जाए। इन्होंने 2019 में भी ऐसी ही कार्रवाई की थी, तब भी मेरे पे और मेरी मम्मी पे झूठा कलंतरा लगाया था। वो मामला भी कोर्ट में चल रहा है। अच्छा। और उसके बाद भी इन्होंने उसी को दिया। फिर मैंने लिखित में कंप्लेन दी 26/7/2021 में कमिश्नर ऑफिस में। उसके बावजूद IO चेंज हो गई कुछ दिनों के लिए, सिर्फ एक महीना के लिए, सोमवती रही। उसके बाद फिर से इन्होंने एकता को ही कार्य दे दिया। मुझे पहले ये बताइए कि आपके साथ कौन था? वो हमारे घर से पास ही रहता है। हाँ। सन्नी, रॉबिन और उसकी दीदी राशि। अच्छा। तीनों ऐसे ही हैं। हाँ। और उन्होंने उस दिन अपशब्द भी बोले, अश्लील इशारे भी किए और गालियां भी दी। और उसके बाद मैंने 112 नंबर पे कॉल करके पुलिस को बुलाया, पुलिस आई भी। और उसके बाद उन्होंने कह दिया लिखित कार्रवाई करेंगे, आप कंप्लेन दीजिए, हमारे पास महिला पुलिसकर्मी नहीं है। मैंने दी उसके बाद कंप्लेन करके, फिर FIR हुई। लेकिन कार्रवाई उनकी सेम हुई ना, तो कोई कार्रवाई। उन्होंने झूठा ही बनाया। जितनी धाराएं लगी थी 354(1) और 4 लगी थी, और 34 लगी थी, और 509 लगी थी। उन्होंने एकता जी ने सारी अपने पद और पावर का यूज़ करके, वर्दी का रोप दिखा के सब धाराएं हटा दी, सिर्फ 509 छोड़ी और एक छोटा मोटा सा चालान बना के दिया। और उसमें भी उसके बाद भी उन्होंने 107-150 कलंतरा भर के मेरे को और मेरी मम्मी को झूठा फंसा दिया। तो मतलब पुलिस ने जो कार्रवाई की है उससे आप सेटिस्फाइड नजर? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मेरे पास इस चीज़ के पूरे पुख्ता सबूत हैं। ये देखो, आरोपी ने, ये देखो, बयान दिया है। हाँ। और सर्टिफाइड है, ये देखो, मोहर लगी हुई है इनकी। क्या बयान दिया आरोपी? क्या आरोपी ने लिखा हुआ इसमें खुद कि मैंने सोनिया के साथ ये हरकत की, गालियाँ भी दी और इसलिए हरकत की, और उसके बावजूद भी ये कह रहे हैं कि वीडियो भी दी है इस चीज़ की मैंने इनको, उसका सर्टिफिकेट भी दिया। उसके बाद ये कह रहे हैं कि इन्होंने ऐसी कोई धारा नहीं पाई गई है। रॉबिन और राशि को तो साफ सुथरा बचा दिया है, और सन्नी पे सिर्फ 509 लगाई है। ये 509 जो धारा लगती है वो किस मामले में लगती है, पता है आपको? हाँ, छेड़छाड़ के मामले में, किसी पर अश्लील टिप्पणी की है। वो तो लेकिन कर दी ना उन्होंने। लेकिन जो उन्होंने 354(1) और 4 थी वो तो मेन हटाई थी, जो उसने हरकत की है वो तो मेन हटाई थी उसको बचाने के लिए। टिप्पणी जो असली टिप्पणियाँ होती हैं, सारे होते हैं, उसके लेके इन्होंने 509 धारा लगा दी। इसके अलावा क्या, कौन सी धारा लगती है? और वही तो था उसमें वीडियो में जो हमने देखा था, उसमें 354(1) और 4 भी थी, जो उसने बातें बोली हैं, रेप की श्रेणी में ही आती है वो, उसी चीज़ में। अच्छा। उन्होंने जो इशारे किए हैं और जो बातें बोली हैं वो उससे रिलेटेड थी। ये भी जो धाराएं लगी थी एडवोकेट के थ्रू ही लगी थी, ऐसे नहीं लगी थी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बात हुई थी। और उसके बाद इन्होंने अपनी मनमानी कार्रवाई करने के लिए सब धाराएं हटा के मेरे पे और मेरी मम्मी पे झूठा कलंतरा लगाया 107-104। तो अभी आप क्या करने वाले हैं आगे कार्रवाई? आपने कहीं और शिकायत दी है या? हाँ, मैंने शिकायत दी है 27/9 को, मैंने अभी शिकायत दी है कमिश्नर ऑफिस और CM विंडो में। और इसके बाद भी अगर नहीं कुछ होता है तो फिर मुझे कोर्ट ही जाना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। वही कार्रवाई कर रही है, देखिए उसका भी मेरे पास सबूत है, कहा जा रहा है पेपरों में। मैंने मुंशी सी जी से पूछा था अभी, तो यही 27 तारीख को पूछा, 27 सितंबर को, तो कहते हैं आपकी IO चेंज हो चुकी है। लेकिन IO वही की वही है। ये देखिए, 8/9/2021 को चालान भरा गया, उसमें साफ साफ नाम है कि एकता देवी ने कार्रवाई की। अगर 26/7 को ये कंप्लेन दे दी गई थी कि IO चेंज चाहिए, इन्होंने कह दिया IO चेंज हो गया, उसके बाद फिर कार्रवाई वो कैसे कर सकती हैं? तो क्या चाहते हैं आप? मैं तो यही चाहती हूँ कि ये जो धाराएं हटाई हैं ये लगाई जाए वापस से, और जो एकता जी ने किया अपने पद और पावर का यूज़ करके, वर्दी का रौब दिखा के, उनके खिलाफ भी एक्शन हो, और जो मेरे पे झूठा कलंतरा बांधा गया मेरी मम्मी पे और मेरे पे, वो हटाया बस, इतना ही चाहती हूँ। अभी आप सोप है कि इनके पड़ोस में रहने वाले युवक ने इनके साथ असली हरकत की है, असली इशारे किए हैं, टिप्पणियाँ दी हैं, गालियाँ दी हैं, जिसके लेकर इन्होंने पुलिस को शिकायत दी थी। और शिकायत में जब शुरुआत में FIR जो दर्ज हुई थी उसमें 354(a) भी लगाई थी, और उसके बाद में इनका आरोप यही है कि मामला पुलिस ने
जो 354 जो धारा है वो किस बिना पे हटाई है और किस पे नहीं हुई है, इस बारे में हमारी SHO साहब यहाँ पे मौजूद नहीं है, फ़ोन पे बात हुई थी हमारी उनसे, अमन जी से, उनका ये कहना है कि जो हमें शिकायत मिली है कि किसी भी महिला के से हमारे को शिकायत मिलती है तो हम तुरंत एक्शन लेते हैं और उसी एक्शन के तहत ही हमने कार्रवाई भी की थी आरोपी के खिलाफ और मामला दर्ज किया था और जो 359 जो धारा है वो आरोपी के खिलाफ लगाई थी और मामला दर्ज करके उसको कोर्ट में भेज दिया था जहाँ से वो जमानत पे अभी लिया है और आगे भी अगर जो कोई किस तरह से हरकत किसी के साथ करता है तो उसको किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। ये अमन SHO जो हैं यहाँ के इंस्पेक्टर, उन्होंने हमारी फोन पर बात की और उनका ये भी कहना है कि ये जो युवती है, ये जो भी शिकायत हमें दी थी उसके तहत हमने जो भी कार्रवाई जो उचित थी जो जायज़ थी वो हमने कार्रवाई कर दी है और किसी भी तरीके से हमने इसमें कोताही नहीं बरती और आगे भी किसी तरीके से कोताही नहीं बरती जाएगी। हमारे साथ बनी रही, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा इस न्यूज़ को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपके पास हमारे न्यूज़ नोटिफिकेशन।